हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं एनएस लकड़ा और मैं आया हूं अभी लोहापुल। तो एक्चुअली मैं सिलीगुड़ी से ही वीडियो रेडी करता, निकल वहां से मैं डेली वीडियो आप लोगों को सिलीगुड़ी और माल बाजार डुअर साइड का दिखाते, भी थोड़ा बोर हो जाता पब्लिक। तो मैं इसलिए बना सोचा कि आज लोहापुल से ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा और मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा माल बाजार पार्क है वहाँ पर डुअर्स का, वही डुअर्स पार्क का वहाँ पर। और मैं आया था लोहापुल इसीलिए कि मेरा ये जो एड चल रहा था, ये मेरा प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का ये एड चल रहा है, तो मैं इसको अपना लोकेशन के साइज में अपना फ़ोटो खींचने के लिए आया था। और मैं अभी जाऊंगा यहाँ से, ये रहा यहाँ का लोकेशन, मेरा पीछे देख ही रहा है, पता नहीं कैमरा ब्लर हो जाता है। तो ये रहा, ये अभी ये हिल साइड है जो गैंगटॉक की तरफ जाता है और ये साइड चला जाता है गैंगटॉक। और मैं आया हूँ पीछे की ओर इधर से सिलीगुड़ी से। तो यहाँ पे काफ़ी वेदर ठीक ही है, तो अभी मैं चला जाऊँगा ये साइड सिलीगुड़ी। तो मेरा पीछे देख रहा है हिल्स का नज़ारा, तो गैस बने रहिए, ओके गुड बाय। सिलीगुड़ी जाने की ये रास्ता और ये सब जितना भी लोहापुल की दुकान सब है, और आगे भी एक ब्रिज है जो ब्रिज लोहापुल के नाम से जाने जाते हैं, तो इस साइड में जाने से लोहापुल ब्रिज मिलेगा। वेल गाइस, आई एम कमिंग फ्रॉम एंड कॉन्वर्सेशन ब्रिज, और मैं अभी हूँ कॉन्वर्सेशन ब्रिज में। तो एक्चुअली मैं लोहापुल गया था और यहाँ पे आया तो बहुत क्राउड सा, भीड़ गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से फिर कॉन्वर्सेशन ब्रिज, थोड़ा गाड़ी आगे पार होने के बाद में ही मैं यहाँ से लिफ्ट आगे जैसा साइड साइड जाना पड़ रहा है। और काफ़ी ही एक्चुअली देख रहे हैं आप लोग, भीड़ सा लगा हुआ है और मैं पीछे था। एक्चुअली यहाँ पे इतना भीड़ है तो मुझे साइड साइड जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी बहुत छोटा होने के कारण से यार इतना साइड में हूँ, अगर यदि गाड़ी चला तो मैं सीधा गिर ही जाऊँगा, फिर मुझे देख के संभाल के जाना पड़ेगा। शायद वो साइड से रास्ता होगा, तो यार मुझे इतना बहुत भीड़ नहीं हो रहा है कि मैं साइड में चल भी सकूँ, और इतना रास्ता मतलब जाम होने के कारण से मेरा पीछे देखने जा रहा है कि रास्ता में भी मेरा पीछे जितना खाई है, अगर यदि एक बार चला गया तो फिर मैं और आ भी नहीं पाऊँगा। तो गैस नहीं है तो एक बार रॉन्ग साइड ले लिया, पता नहीं इतना रॉन्ग साइड आ गया है। और मुझे जाना है, मैं आप लोगों के साथ में और भी जितना भी यहाँ का काली मंदिर से लेकर ये कॉन्वर्सेशन ब्रिज है, मैं वो आपको जरूर शेयर करूँगा। देखो यार इतना डिफिकल्ट है कि मुझे साइड साइड जाना ही पड़ेगा। तो मेरा पीछे वो देख रहा है वो कॉन्वर्सेशन ब्रिज, यार इतना रिक्स में ब्लॉग बनाना भी कभी कभी रिक्स हो जाता है। और मैं वहाँ से गाड़ी में आ रहा था, इतना क्राउड फील हो रहा था कि गाड़ी का भीतर बंद, तो बंद कमरा में कुछ किया भी नहीं जैसे था, और मैं आप लोगों के साथ में व्यू भी शेयर नहीं पाया कर नहीं पाया। तो चलो आगे, अब मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट हो रहा है और मैं इस साइड में हूँ, तो मुझे जाना चाहिए उस साइड में। आई एम गोइंग ऑन दिस साइड। तो फिलहाल में गैस में पहुँच ही गया हूँ। तो ये रहा कॉन्वर्सेशन ब्रिज जो गैंगटॉक से आते समय आप लोगों को ज़रूर दिखाई पड़ेगा, और मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ से कुछ ही दूर में ही पड़ेगा, तो डर भी लगता है, यहाँ पे कुछ बांदर सब भी पड़ा होता है, जो बांदर जो कभी बीच में फायर भी, बस यहाँ से देखिए, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड लोकेशन। यार साइड में बीड़ी पी रहा है वो, जगह से मेरा पूरा दाढ़ी जला देता वो, अभी तो मैं
अभी बच के चल रहा हूँ, बस पहुँच ही गया। मेरा पीछे बहुत ही लाइन लगा हुआ है और मैं अभी जा रहा हूँ इससे काली मंदिर। तो चलो गाइस, ये आ रहा है यहाँ का सिक्किम लाइन का गाड़ी। यहाँ पे पूरा लाइन सा लगा हुआ है क्योंकि आगे ट्रैफिक है और जाम सा पड़ा हुआ है। और मैं पहुँच गया हूँ अभी कन्वर्सेशन ब्रिज, और आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और ये है टाइगर, इतना छोटा सा गली में कैसे जाऊँ। ये रहा, ये साइड चला जाता है सिलीगुड़ी, और ये साइड चला जाता है आपका माल बाजार, और ये साइड चला जाता है आपका गैंगटॉक सिक्किम, ये साइड सभी जगह। तो ये रहा यहाँ का लोकेशन, कन्वर्सेशन ब्रिज जो बंगाल का यही ही बिकियत है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी हवा ठंडी ठंडी सी चल रहा है। गाइस अभी मैं हूँ कन्वर्सेशन ब्रिज में, और मेरा पीछे मैं आया गैंगटॉक की वो रास्ते से। आज की डेट में काफ़ी कुछ भीड़ नहीं है, मतलब मोटा मोटी भीड़ होगा, वो मेरा पीछे देख रहे हैं अब कितना, मतलब नीचे मोटा मोटी आपका हो जाएगा यहाँ से 150 किलोमीटर फुट होगा यहाँ से, जो गड्ढा ये दिखाई दे रहा है वो। तो चलो मैं ये गड्ढा भी आप लोगों के ब्रिज का बीच से आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। और यहाँ पे अभी मोटा मोटी बहुत ही पर्यटक आता है घूमने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी पानी हो चुका है आपका नीला कलर का, इतना सारा चट्टान चट्टान पड़ा है, दिखने में बहुत भयंकर दिखता है। तो चलो मैं आप लोगों के साथ में एक बार ज़रूर शेयर करूँगा। गाइस यहाँ का पुल से नीचे की दूरी यहाँ तक है, और ये सब देख ही रहा है, इतना मैंने सूखा सा हो गया नदी, उतना पानी नहीं है, सीजन में बहुत सारा पानी हो जाता है यहाँ पे। ये रहा, तो गैस अभी मैं हूँ रॉन्ग साइड में, और मैं जा रहा हूँ उस साइड में अभी। तो मैं आपको लास्ट तक की नज़ारे से फिर रिटर्न होकर मैं आपको मंदिर से लेकर सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। और मेरे पीछे देख ही रहा है इतना रिवर का ब्यूटीफुल लुक जो यहाँ का। और ये रहा जो यहाँ पे पार्किंग, साइड पार्किंग होता है। यहाँ पे छुट्टी में भी बहुत सारा पर्यटक जैसे टूरिस्ट सब आता है यहाँ पे घूमने के लिए। गाड़ी पार्किंग के लिए चलो गए जाते हैं, और अपना मंदिर का भी थोड़ा दर्शन करके निकलते हैं माल बाजार पार्क के लिए। तो माल बाजार पार्क का भी आप लोगों को मेरे साथ में शेयर करूँगा। तो यही साइड चला जाता है माल बाजार, और ये रहा मुंगकी। मुंगकी से मुझे बहुत डर लगता है।
उस साइड में तो सूरज की रोशनी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये साइड में भी काफ़ी ही नज़ारा, और झंडा की एक नज़र देखे। जितनी भी माल बाजार जाने वाला गाड़ी भीड़ पड़ा जयगांव तक हसीमारा तक, ये गाड़ी यहाँ पे है और मैं अभी यहाँ पर हूँ। मैं जा रहा हूँ मंदिर के सामने उधर। सिलीगुड़ी जाने की साइड में अभी ये रहा यहाँ से इसकी नज़ारा। ये है जितना मंदिर की सामान चाहिए आपका, जितना मंदिर की सामान मिठाई से लेकर सब पूजा फूल तक यहाँ पे बिक्री होती है। और मैं पहला दर्शन करूँगा काली मंदिर। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे पीछे देख रहे हैं वो है आपका काली मंदिर, और बहुत गाड़ी जाम लगा हुआ है तो यहाँ पर भी एक्चुअली बहुत चढ़ाई है, देख रहे हैं सीढ़ी। पहले मैंने अपना ये भोलेनाथ का मंदिर जो दर्शन करूँगा, और मैं चला जाऊँगा कि तो मैं ऊपर आ ही गया और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। पर यहाँ की खूबसूरत इस तरीके से दिखाई देती है। वाकई गैस मैं यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे जाने से पहले मैं अपना शूज जरूर रिमूव करूँगा। तो गैस ये है सिलीगुड़ी साइड से जो आने की ट्रैवल, जब करोगे तो सिलीगुड़ी साइड से इस टाइप से इधर से आओगे, और ये साइड है रिवर, और इधर में है मंदिर। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक यहाँ से, और मैं अभी मंदिर के ठीक ऊपर में हूँ, और यहाँ से ठीक दिख रहा है ऊपर में काली मंदिर, जो ये गंगटोक से आने वाली रास्ता से ठीक सामने पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ का नज़ारा, वेरी ब्यूटीफुल। मंदिर परमेश्वर तो यहाँ पे जोड़ी शादी के भी जोड़ी देख रहे आप लोग। देखा वहाँ पे मंदिर में शादी एक जोड़ी की हो रहा है, और मैं यहाँ पे तो ये जो दिख रहा है सबका मन्नत का, ये सब सबकी अपने अपनी मन्नत के हिसाब से बांधा हुआ है। जो यहाँ पे आता है पूजा करने वो कोई भी जोड़ी का ये हो।
और इस साइड से आपका मंदिर के साइड से मिल जा रहा है, काफी देखने को सुंदर। दर्शन हो गया, अब मुझे जाना है काली मंदिर। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, तो गैस आपको बने रहें। तो गैस यहाँ की जो सीढ़ी 1 किलोमीटर की ऊपर में होगा ये सीढ़ी, और यहाँ से मंदिर दिख रहा है। तो मैं अभी फिर से मंदिर में ही जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी एक टेंपल है, ये भी है भोलेनाथ की यहाँ पर मंदिर। जय फिलहाल मैं अभी यहाँ पे रखा हूँ अपना सूच और मैं जा रहा हूँ ऊपर की ओर में। तो चलो गैस, यहाँ पे अलाउ नहीं है जो मैं आधा ऊपर तक अपना जा सकता हूँ कैमरा लेके। तो जहाँ तक हूँ मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगा, और यहाँ पे कोई फोटो वोटो भी ले रहा हूँ मेरा किसी देख रहा हूँ कुछ देर तक यहाँ। तो मैं मंदिर के ठीक इस साइड में बैठा हूँ, और इधर तो फोटो लेना मना था, तभी मैं जहाँ तक हो सके आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूँगा। ये तो काली मंदिर के भीतर भी ये है, और यहाँ पे कैमरा लेना प्रतिबंध है, तो मैं फ़ोटो नहीं वहाँ का नहीं लिया। और मैं अभी इस साइड में हूँ लोकनाथ मंदिर के साइड में, और मेरा कुछ देख रहा है वो साइड लुक है इस टाइप से। तो गैस बने रहिए, चलो आज की ब्लॉग में फिर से अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ माल बाजार की पार्क की ओर। तो आप लोग का ये काली मंदिर भी थोड़ा बहुत तो मंदिर मैं शेयर कर दिया, और मैं जाऊँगा यहाँ से आपका माल बाजार। Thank you.
जा रहा हूँ वहाँ बजे पार्क, तो वहाँ पे आप लोगों के साथ भी जो है तो बीच रास्ते में जो है आप लोग गाड़ी भी मिल जाए, मैं बैठा हूँ तो मुझे यहाँ लगेगा।